हाय गाइज, आभास चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। ये आम से बनता है जो सारे फलों का राजा है। इसे हर कोई खाना पसंद करता है। ये लुकवाइज जितना अच्छा लग रहा पीने में उतना ही टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। आम खाने के कई फायदे हैं, तो चलिए पहले हम इसके फायदे बताते हैं। इससे आँख की रोशनी तेज होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। ये हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है। इसे यूज करने से स्किन ग्लो करने लगती है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कैंसर से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन शक्ति को अच्छा रखता है। इससे स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ये पौरुष शक्ति बढ़ाता है। इसमें फोलिक एसिड होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए इसे हमें अपने खाने में ज़रूर यूज करना चाहिए। जब तक आम का सीजन है, इसे जम के यूज कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। फायदे तो हमने आपको बता दिए, तो चलिए अब बनाना भी बताते हैं। इसके लिए 2 पके हुए आम लेंगे, 1 गिलास ठंडा दूध लेंगे, कटे हुए काजू पिस्ता बादाम लेंगे, 6 टीस्पून शुगर लेंगे और आइस क्यूब लेंगे। सबसे पहले आम को छील लेंगे और इसको रफली कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। अब हम ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें इसे डाल देंगे। फिर 6 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका आम खट्टा है तो आप इसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं। फिर हम आधा मिल्क ऐड करेंगे। हमने इसके साथ थोड़ी मलाई भी ली है जिससे मेरा मैंगो शेक थोड़ा क्रीमी क्रीमी बने। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम बचा हुआ मिल्क ऐड करेंगे और आइस क्यूब ऐड करेंगे। अब फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे हम गिलास में निकाल लेंगे और इसके ऊपर बादाम पिस्ता डालेंगे। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर आप मैंगो मिल्क से एक पतला बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा दूध और ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप इसे गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आइस क्यूब ना डालिएगा। आप आम को काट कर फ्रीजर में रख लीजिएगा। आप मैंगो मिल्क शेक को अलग अलग तरह से बना सकते हैं। आप इसमें वनीला आइसक्रीम डाल सकते हैं, आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। इसे और अच्छा लुक देने के लिए इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरे टूटी फ्रूटी में केवड़ा एसेंस पड़ा है। तो ये लीजिए, मेरा मैंगो मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। हमें उम्मीद है हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह मेरा वीडियो देख सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।